हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट तो ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है ये जेई मिन दो के एग्जाम में आया था इस क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है और कॉमन आयन इफेक्ट भी इन्वॉल्व है तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं पहले क्वेश्चन सेज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट सोलिबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन जीरो पॉइंट वन मोलर के टू एसओ फोर के उसमें सल्फेट का आयन मिलेगा विच विल क्रिएट अ कॉमन आयन इफेक्ट प्लस हमें जो आंसर करना है वो मोल्स पर लीटर में नहीं है ग्राम्स पर लीटर में है तो यूनिट का भी रखना पड़ेगा ध्यान सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं स्टेप वन सबसे पहले हम लोग बेरियम सल्फेट के आयनाइजेशन का इक्वेशन लिख लेंगे बी ए फोर आयनाइज टू फॉर्म बी ए टू प्लस प्लस ए फोर टू माइनस तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन हो जाएगा के एस ऑफ बी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसओ फोर टू माइनस नॉर्मली जब हम लोग वाटर में सॉलिडिटी ऑप्टेन कर रहे होते हैं सॉल्ट का तो कोई भी आयन अपने इक्वेशन में जितने बार आया उसके कॉन्सेंट्रेशन के प्लेस पे उतने टाइम्स हम लोग एस लिखते हैं तो बेरियम टू प्लस बी ए टू प्लस एक बार आया था तो यहाँ पे एस लिखेंगे और पावर वन था तो वन ही रहा एसओ फोर टू माइनस भी एक बार आया था तो यहाँ भी हम लोगों ने एस लिखा और पावर वन रहा सो दिस इज के एस पी इक्वल्स टू

अगर कॉमन आयन आता है फिर कैसे निकालना है उसको भी देख लेते हैं तो कॉमन आयन यहाँ किससे मिल रहा है के टू एसओ फोर से के टू एसओ फोर को पहले आइज कर लेंगे प्लस एसओ फोर टू माइनस तो सिंस तो हम लोगों ने 0.1 मोलर के लिया था इनिशियली अगर बिना आ के K+ की वैल्यू 0 SO4, 2 0 आयनाइज होने के बाद एक k2so4 से दो 2k+ बन रहा है तो k2so4 अगर पूरा एनालाइज हो गया फाइनली इट विल बी 0 और 0.1 मोलर k2so4 का पूरा चेंज हो जाएगा k+ में और so4 2- में तो k+ हो गया 0.2 मोलर एंड so4 2- हो गया 0.1 मोलर नाउ जो so4 2- हमारे पास बना ये so4 2- क्या करेगा बेरियम सल्फेट के इक्वेशन में इंटरफेयर करेगा SO4 2 के चलते सल्फेट का अमाउंट इंक्रीज हो गया है और सल्फेट ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो एसओ फोर टू माइनस कंबाइन हो जाएगा बी ए टू प्लस के साथ और ये फॉर्म कर लेगा बी एसओ फोर तो पहले जितनी सॉल्युबिलिटी थी अब उतनी भी नहीं रहेगी बट कितनी होगी ये कैसे फाइंड करना है तो उसके लिए फिर से हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे केएसपी का और सॉल्युबिलिटी पहले जो s होती थी अब उसे मान लेंगे s' तो s' हम लोगों ने लिखा ba2+ के प्लेस पे सल्फेट आयन के प्लेस पे लिखेंगे s' 0.1 0.1 की वैल्यू जो है वो k2so4 से मिली नाउ सोलिबिलिटी पहले ही 10 दाइनस फाइव के रेंज में थी अगर हम लोग सोलिबिलिटी तो तो और कम हो गई तो वैल्यू और स्मॉलर हो गया होगा तो, हो हो तो 0.1 में अगर हम लोग जीरो पॉइंट जीरो जीरो एड करते तो स्टिल वो कितना होगा जीरो ही होगा तो सिंस सोलिबिलिटी बहुत कम है तो हम लोग ऐसा ले सकते हैं दैट एस डैश प्लस जीरो मल्टीप्लाइड विद जीरो के एस पी की वैल्यू थी उसको पुट कर देते हैं वन इंटू टेन ट माइनस टेन दिया हुआ था क्वेश्चन में दैट इज इक्वल टू एस डैश मल्टीप्लाइड विद जीरो पॉइंट वन दैट मीन्स सॉलिबिलिटी अब हो गई पावर भी इस डिवाइडेड से जीरोन करेंगे उसकी होगी अब इसमें problem क्या है कि जो भी वैल्यूज हम लोगों ने ऑप्टेन की है वो मोल्स पर लीटर में है बट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आंसर ग्राम पर लीटर में बताने हैं सो ग्राम पर लीटर में सोलिबिलिटी कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं फॉर्मुला उसका है सॉलिबिलिटी इन ग्राम्स पर लीटर इज इक्वल टू सॉलिबिलिटी इन मोल्स पर लीटर मल्टीप्लाइड विथ मोलर मास इन ग्राम पर ओके तो मोलर मास ऑफ बी एसओ फोर पार माइनस नाइन मल्टीप्लाइड विथ टू थर्टी थ्री तो ये वैल्यू हो गया टू थर्टी थ्री मल्टीप्लाइड विथ टें पार माइनस नाइन अब क्वेश्चन में जो आंसर हमें स्टेट करना था इट वाज डैश ज इंटीज टाइप क्वेश्चन हमें वैल्यू एंटर करने पड़ेंगे और जो वैल्यू हम लोग एंटर कर रहे होंगे वो होगा टू थर्टी थ्री सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आइनिफेक्ट